नमस्कार, मी आशिष जाधव. झी 24 तासच्या विशेष मुलाखतीत तुमचं स्वागत आहे. करोना काळात भल्या भल्यांना आयुष्यानं अशा वळणावरती आणून ठेवलं की नव्यानं त्याला आपलं आयुष्य सापडलेलं आहे. किंबहुना एखाद्या क्षेत्रात काम करत असताना लोकांच्या यातना बघून त्यांच्यासाठी काहींनी धडपड केलेली आहे, तर काहींनी खरंच असं काम केलेलं आहे की त्या कामाची पावती त्यांना संबंध देशातून मिळते आहे. असंच एक नाव चर्चेत आलेलं आहे ते म्हणजे प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद. आपल्यासोबत आज सोनू सूद खुद आहेत. सोनू सूद जी, आपका जी 24 तास में स्वागत है. देखिए, कोरोना काल में, जैसे मैंने कहा कि कोरोना काल में एक नई दिशा हर एक के जीवन में आई है. किसी ने नया अनुभव किया है तो किसी को ऐसा लगा है कि मेरे पास जो है वो मैंने बांटना चाहिए. किसी ने एक नई खोज की है, आपने एक नई खोज की है, आपने बल्कि मिसाल पूरे देश के सामने रखी है. और आज सोनू सूद ऐसा नाम बन गया है कि जिनको आपने मदद की है वो अपने घर में आपकी पूजा कर रहे हैं. कैसा लग रहा है? खुशी इस बात की आशीष जी की मैं उनकी जिंदगियों में कुछ तब्दीली ला पाया, कुछ आशा की किरण दे पाया. मैंने शुरू तो किया था करीबन 350 लोग जो पहली दफा जो प्रवासी मजदूर थे वो कर्नाटका में गए थे, लेकिन जब मैंने पहली दफा उनकी आंखों में वो आंसू और चेहरे पे वो खुशी देखी तो मुझे लगा कि ये बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे और उन्हें मुझे उनके घर तक पहुंचाना है. फिर एक मिशन की तरह मैं इसके पीछे पड़ा और सब लोग घरों में जाने शुरू हुए, उन परिवारों के मैसेजेस आने शुरू हुए, उनकी खुशियों के वीडियोज आने शुरू हुए और सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि शायद मैं इतने साल पहले मुंबई इसी के लिए आया था और मेरे हाथों से ये पूरे परिवारों का जो मिलन है वो होना था. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और भी मुझे उत्तेजित मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और लोगों को अपने घरों तक उनके पहुंचा पाऊं. सोनू जी, शुरुआत में तो आपने खुद पहल की, आपने एक दूसरे मजदूर को मदद भी की है. जैसे आपने कहा कि कर्नाटका के मजदूर थे, उनको आपने उनके घर पहुँचाने का जिम्मा उठाया, लेकिन उसके बाद ये कारवां बढ़ता गया. लोगों ने आपके बारे में बहुत अपेक्षाएं रखी, वो पूरी होने लगी. तो आप अब अकेले हैं या आपके साथ पूरी टीम है? नहीं, अभी टीम है मेरे साथ. आशीष जी, मेरी एक बड़ी बचपन की दोस्त है नीति गोयल, हम लोग बचपन से जानते हैं और हम लोगों ने खाना बांटना शुरू किया था. और जब हमने प्रवासी भाइयों को नेशनल हाईवे पे चलते हुए देखा तो बड़े लोगों को हमने रोका और हजारों की गिनती में लोगों को हम लोग रोक भी पाए, उन्होंने घर भी भेज दिया हम लोगों ने. तो हमने सोचा कि क्यों ना एक अभियान शुरू करें जिसका नाम हो घर भेजो, कि हम सबको घर भेजेंगे और जो भी तकलीफ में कहीं पे भी देश के किसी कोने में भी फंसा होगा हम उन्हें घर जरूर भेजेंगे. और फिर मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है पंकज हरीश, मैंने उनको लिया, उनके 10-12 जो लोग हैं टीम में वो जुड़ गए, फिर आगे जुड़ते गए और इतने कॉल आने शुरू हुए कि हमें लगा कि इसको संभालना बड़ा मुश्किल है, हमें टीम बढ़ानी पड़ेगी. फिर मैंने एक टोल फ्री नंबर लिया जहाँ पे जैसे ही मैंने डाला 1 घंटे के अंदर 70,000 रिक्वेस्ट आए हम लोगों को कि हम घर जाना चाहते हैं. और आज भी आप विश्वास कीजिए कि हमें लगता है कि जो 24 घंटे का दिन है हमारे लिए कम है, काश 30 घंटे होते तो शायद उन्हें एक्स्ट्रा 6 घंटों में हम और कुछ 1,000 लोगों को घर भेज पाते. तो अभी एक जिम्मेदारी है हमारे कंधों के ऊपर, एक लोगों का विश्वास है जिसमें हमें खरा उतरना है और उन घरों में पहुंचाना है सब लोगों को. तो उसी की कोशिश जारी है. सोनू जी, देखिए, कोई भी आदमी जब कोई काम शुरू करता है तो लोग यूं ही नहीं उसके साथ आते हैं या यूं ही नहीं उससे अपेक्षाएं रखते हैं. आप में वो एक सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी है, बल्कि एक विश्वास दूसरों में देना या जगाना है. मैं कभी किसी को ट्विटर पे कोई एक्टर को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं आपको फॉलो करने लगा. और जब आप किसी को बोलते हैं कि तेरा एड्रेस भेज, तेरे पास कितने लोग हैं, ये 2-3 लफ्ज़ है, लेकिन वो जो सामने वाला है उसको ये पता चल जाता है कि आप उसकी मदद करने वाले हो. तो ये कैसे हुआ? सर, मुझे लगता है कि जब हम बचपन में छोटे थे हम अपने माँ बाप से कोई चीज मांगते थे तो माँ बाप हमें मना नहीं करते थे, कहते चल मैं तुझे दिला के लेकर आता हूँ. तो वो एक विश्वास जुड़ता था, हमें पता था कि वो चीज हमें मिल जाएगी. ये वो लोग हैं जिन्हें मैं कभी मिला नहीं हूँ, जिन्हें मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं है, सिर्फ सुना है. और मैं जब इन लोगों ने मुझसे गुहार लगाते हैं कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरी मदर मेरा इंतजार कर रही है, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है, हम बच्चों के साथ दुखी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका आगे हाथ बढ़ के थामना और इन्हें बोलना कि मैं घर छोड़ कर रहा हूँ, कैसे भी छोड़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं उस समय कैसे छोड़ूंगा. तो सबसे पहले मैं फॉलोअप करता हूँ और उन्हें घर भेजता हूँ. मैं आज जब आपके साथ भी बात करने वाला था तो मैं ऐसे ट्विटर पे देख रहा था तो एक लड़की यहाँ पर फंसी हुई थी जिसे दरभंगा जाना था, तो उसने बड़ी कोशिश की और नहीं जा पा रही थी, और मैंने फिर आज ही अभी उसका अरेंजमेंट किया और अभी वो 4-4:30 बजे जो उसकी बस है दरभंगा के लिए निकल रही है। तो वो समय होता है कि जब अचानक मैंने वो मैसेज देख लिया, पढ़ लिया और रिएक्ट करके उस पर बोला कि ये करना है। तो मैं जैसे बोला कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे, मैं खाना खाता हूँ तो भी मैं देखता रहता हूँ कि कोई मैसेज तो नहीं है जो मुझसे मिस हो गया जिसको मैं भेजना है, तो उसकी कोशिश लगी रहती है। और होपफुली मैं जब तक आखिरी प्रवासी अपने घर नहीं पहुंचेगा तो ये जो मिशन है ये जारी रहेगा। सोनू जी देखिए, कुछ सवाल है जो आम आदमी के मन में है। देखिए दुनिया ऐसी है कि कोई भी अच्छा काम करे तो लोग अपने अपने नज़रिए से आपको तलाशते हैं, आपको तराशते हैं। इसी लिहाज से ये प्रश्न मैं पूछूंगा कि ऐसा आपको क्यों लगा कि मुंबई में फंसे हुए किसी मजदूर को उसके गांव छोड़ दे? ऐसा क्यों नहीं लगा कि वो जो फंसा हुआ मजदूर है उसके लिए रोटी कपड़ा मकान हम कर दे, भले उसको उसके गांव पहुंचाने के, उसके गांव ही पहुंचाना चाहिए, ऐसा क्यों लगा? तो देखिए रोटी कपड़ा मकान तो करना ही है और उनके पास उसका अरेंजमेंट भी है, काम है उनके पास, ऐसा नहीं था कि मुंबई में काम नहीं था। लेकिन आप ये समझिए कि मुंबई में जो चौल में एक छोटे से 8x10 या 6x8 के घर में 8 से 10 लोग रहते हैं, वो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते, उन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो उन्हें लगता है कि जब तक काम नहीं शुरू होता हम लोग घर जा आते हैं और वहाँ पे जो है कम से कम रोटी पानी चलता रहेगा। मैं जितने लोगों को भेजता हूँ मैं उनसे सबसे एक वादा लेता हूँ कि आप आ रहे हो, और सब लोग जितने मुझे लोग मिले हैं सब बोलते हैं कि सर हम जल्दी आएंगे, थोड़े से हालात ठीक हो जाए हम वापस आएंगे, और वो आएंगे भी जरूर, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अभी यहाँ पर इतना मुश्किल है। आप सिर्फ मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, देश भर के कोने से मुझे मैसेजेस आते हैं, कोई उड़ीसा में फंसा है, कोई कर्नाटक में फंसा है, कोई असम में, कुछ वो मैं उनको निकालता हूँ। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, लड़कियां थी 170 लड़कियां फंसी हुई थी वो एर्नाकुलम में, कोचिन में। तो मुझे घूमते फिरते वो लोगों ने अप्रोच किया कि इनको भुवनेश्वर के पास एक केंद्रपाड़ा एक जगह है वहां जाना है, और मैंने उनको वहां से फ्लाइट से सबको उनके घर पहुंचाया। तो ये वो लोग हैं जो वापस जब काम शुरू हुआ तो शायद वापस अपनी फैक्ट्रीज में जाएंगे, पर अभी फैक्ट्रीज बंद है, वहां पे जो मालिक है उतना खाना नहीं दे सकते क्योंकि वो खुद परेशानी में है, उनके पास ठहरने की प्रॉपर जगह नहीं। तो जब मुश्किल समय आता है तो हर इंसान अपने परिवार वालों को याद करता है, उनके पास पहुंचना चाहता है, बच्चे जो है माँ बाप के पास पहुंचना चाहते हैं, जो माँ बाप है उनके बच्चे जो दूर है वो चाहते हैं कि कैसे भी हमारे पास आ जाए सुरक्षित। तो ये सुरक्षित जो वातावरण में पहुंचने की कोशिश है इन सब लोगों की, पर ये लोग वापस आएंगे, काम पर जाएंगे, दुनिया वैसे ही वापस शुरू होगी। लेकिन जो बोलते हैं कि जब किसी को जरूरत होती है उस समय अगर आप उस तक पहुंचे तो वो सही जो है मदद है, बाद में तो किसने देखा। बिल्कुल सही है, हमने भी अभी 3 महीने हो गए हैं कोरोना काल में हम सब न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और हमें एक बात पता चल गई है, वो बात ये है जिसको आपने बखूबी उसको तराशा, उसको तलाशा और उसको निखारा। कैसी बात है, देखो आदमी कमाता है अपने ऊपर जो लोग हैं, अपने घर वाले जो हैं उनके लिए, यहाँ से मुंबई हो या कहीं से भी जो माइग्रेंट लेबर्स अपने गांव जा रहे हैं उनके मन में एक ही बात है, जिनके लिए हम कमा रहे हैं उनका क्या हो रहा है वो देखने मुझे जाना है, मेरे घर वाले जो हैं उनके पास मुझे जाना है, और वो जो चाह है उनको लेके जा रही है, उसी को उसको कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसे में आपने उनकी मदद की है, गवर्नमेंट ने तो काम अपना किया ही है, लेकिन आप पहले हैं जो खुल के सामने आए, और आपने ये नहीं देखा कि ये सिर्फ बिहार का है, सिर्फ यूपी का है, नहीं, आप केरला, कर्नाटका और कोई भी कोना हो देश का, वहाँ के सब लोगों को आपने मदद की है, यह बहुत बड़ी बात है। इसी प्रश्न से लेके एक बात, ऐसा कोई अनुभव जिसको आप लगा कि नहीं यार यह आदमी को मैं देवदूत के तरह या फरिश्ते के तरह उसको मैं लग रहा हूँ, लेकिन ये मेरा काम था, मैंने किया है। सर आशीष जी सभी लोग, मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा एक एक्टर की उदाहरण देता हूँ, मनीष बेचारा सड़कों पर सो रहा था, वो सोशल मीडिया के थ्रू आया और मैंने उसको बिहार भेज दिया, उसकी मदर का मुझे मैसेज आया, रो ही रही थी पूरे वीडियो के दौरान, लेकिन आज उसको पता है कि बेटा उसका सुरक्षित पहुंच गया। ये जैसे मैंने बोला कि 170 लड़कियां जो हमने कोचिन से उड़ीसा भेजा, मैं रात को पूरी रात जग रहा में था कि सब सही हो रहा है नहीं हो रहा। तो हर एक से मेरी यादें जुड़ गई हैं, मुझे लगता है कि मेरा परिवार बड़ा हो गया, ये वो लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, पता नहीं मैं इनसे मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, या कभी शायद दुनिया बोलते बड़ी छोटी है, आप इनसे वापस कहीं ना कहीं टकराएंगे जरूर, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उन घरों में पहुंच गया हूँ जिनकी दुआओं के अंदर हमेशा मैं रहूंगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे मदर हमेशा एक चीज मुझे बोला करते थे कि आप कामयाब तब हो जब आप किसी की जरूरत में मदद कर पाओ, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत मदद की जरूरत है लोगों को, और जो माँ की सिखाई जो सीख है उसको मैं कहीं ना कहीं उस पर खरा उतर रहा हूँ। सोनू जी, आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपको कहा होगा कि हम भी आपको मदद करते हैं इस काम में, ऐसे कोई संगठन है, कोई लोग हैं जो अब जाके आपसे जुड़े हैं इस काम में? देखिए, बहुत लोगों ने अप्रोच किया, किसी ने बोला कि मैं आधी बस को चाहता हूँ, मेरी तरफ से आधी बस चल जाए, कोई बोलता मैं मेरी तरफ से एक बस चल जाए, कोई बोलता मैं दो बसेस के लिए करना चाहता हूँ। तो लोग हैं, मुझे लगता है कि वो पहला रास्ता, पहला स्टेप उठाना बड़ा मुश्किल था कि जब पहला कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फिर लोग तो खुद ब खुद आपके साथ जुड़ते ही चले जाते हैं, आपके लिए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोला कि हम आएंगे आपके साथ और आगे बढ़ेंगे। आई थिंक वो एक विश्वास जो है, आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो है वो सही कर रहे हैं। सोनू जी, एक सवाल ये भी है कि सोनू जी ये क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सोनू जी बहुत आला किस्म के आदमी हैं, बहुत दयालु हैं, सोनू जी ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ तबका ऐसा भी है जो ये सोच रहा है कि सोनू जी के पीछे कोई दूसरी सोच है, सोनू जी के पीछे कोई दूसरा एक अदृश्य हाथ है जो ये सोनू जी से करवा रहा है। देखिए सर, बड़े लोगों ने पूछा कि आपको कोई पॉलिटिक्स में आना है। मैं मेरे को पिछले 10 साल से पॉलिटिक्स के ऑफर आते हर पार्टी का, तो सबको मालूम है आते, मुझे कोई इंटरेस्ट कभी जागा ही नहीं, क्योंकि मैं एज एन एक्टर बहुत व्यस्त हूँ और मुझे मजा आता है कैमरे के आगे एक्टिंग करने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं उस फील्ड के लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ। मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं एक्टिंग के बारे में सुना और मुझे अच्छा लगा और मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ आज। मुझे पता नहीं कि मुझे राजनीति लोग जो करते हैं, शायद मैं अगर राजनीति में होता शायद मैं सब कर ही नहीं पाता जो मैं अकेला खुद करता हूँ। बड़े सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते, बड़ी सारी परमिशन लेनी पड़ती, बड़े सारे लोगों से पूछना पड़ता, लेकिन अभी मैं खुद का ही कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता, जो दिल में आता है जहन में आता है वो मैं करता हूँ। तो लोगों को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर क्या लोग सोचते हैं, क्या उन्हें लगता है। मैं मेरे पास समय ही नहीं है, मैं 24 घंटे मुझे कम लगते हैं। मुझे लगता है कि शायद मेरे पास दिन में 30 घंटे होते तो मैं और कम से कम 500,000 लोगों को और भेज पाता। इस समय जो लक्ष्य है वो उनको घर तक पहुंचाने का है। लोग क्या सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर 10 में से 8 लोग या 6 लोग भी मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जॉब सही है। और मैंने ये सोच के मुहिम शुरू नहीं की थी कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे, मुझे लोगों को घर तक पहुँचाना है और मैं पहुँचा कर ही मानूंगा। सोनू जी, अभी तक कितने मजदूर मुंबई से या और जगह से अपने अपने गांव पहुंच गए हैं? सर, अगर आप पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो इस समय 20 से 22 हजार लोग हैं जो अपने घरों में पहुंच चुके हैं। अलग अलग स्टेट से, मुंबई से बहुत ज्यादा लोग गए हैं, लेकिन और भी गए हैं। मैंने फ्लाइट से भेजे हैं, बसों से भेजे हैं, ट्रेन से भेजे हैं, और भी ट्रेन की परमिशन लेने में लगा हूँ, जुटा हूँ, क्योंकि ट्रेन में खूब सारे लोग एक साथ जा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि जब मैंने टोल फ्री नंबर शुरू किया तो हजारों की गिनती में लोगों के मैसेजेस आने शुरू हुए। हमारे पास पूरा डाटा है कि गोरखपुर का कौन है, मधुबनी का कौन है, प्रतापगढ़, गोंडा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे पता चल गया यूपी से। मैं पर्सनली उन ऑफिसर से बात करता हूँ, परमिशन लेता हूँ। पर अच्छी बात सर ये है कि जो लोग पैदल चलना शुरू कर दिए थे या ट्रकों पर बड़ी मुश्किल से जा रहे थे, उन्हें विश्वास है कि अगर हम 2-3 दिन रुकेंगे तो सोनू हमें घर पे भेज देगा। और वही विश्वास है जो मुझे ताकत देता है और मेहनत करने की और लोगों तक जो है हाथ पहुंचाने की। सोनू सूद और कोई दूसरा संगठन या सरकार में एक फर्क है, वो बहुत मूलभूत फर्क है। सोनू सूद ये नहीं देख रहे हैं कि वो जो आदमी है जिसको अपने गांव जाना है वो मजदूर है या कोई आम आदमी है या और किसी क्षेत्र में काम करने वाला आदमी है। सोनू सूद ये नहीं देख रहे हैं कि उसके पास राशन कार्ड है, उसके पास वो कोई क्राइटेरिया में बैठता है, जैसे गवर्नमेंट के स्कीम में कोई क्राइटेरिया में आप बैठते हो तो वो ही आपको उस स्कीम का लाभ मिले। सोनू सूद हर एक वो जो मदद मांग रहा है उसको मदद कर रहे हैं। ये कैसा हुआ? किसी ने पूछा नहीं आपको कि आप मदद करते समय उसके पास की जो कागजात है वो देखते हैं या नहीं, सिर्फ आप उसको मदद किए जा रहे हो? देखिए सर, जब आप मदद करने आते हैं तो फिर उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती कि आप कौन है, आपका धर्म क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप कैसे जाना चाहते हो। उस समय आपको पता है कि जो सामने वाला है वो उसने आपकी तरफ हाथ बढ़ा दिया है और आपको आगे हाथ बढ़ाना है। हर एक चीज का तरीका होता है। जैसे मैंने बोला कि ये लोग तो वापस जाएंगे ही जाएंगे। अभी ये है कि अगर आप उनको कोई साधन दे सकते हो जाने के लिए या फिर उन्हें पैदल चलने के लिए आप भेज सकते हो। तो मेरा एक लक्ष्य है कि मैं पैदल तो किसी को चलने नहीं दूंगा, जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी पहुंच है, और जो साधन इन तो पहुंचाने की बात है उसमें मैं लगा ही हूँ और पहुंचाया भी है मैंने। तो मैं नहीं देखता सर कौन कैसा, किस जाति, किस धर्म, किस शहर, किस गाँव में, जो भी है मैं वहां पर मैं एक एक आदमी के लिए मैंने कई बार 10 बड़े ऑफिसर्स को फोन किया है कि कोई कोपर गांव में महाराष्ट्र में फंसा हुआ, उसको कहाँ जाना है मुझे पता नहीं, मैंने कभी उस गांव में भी नहीं गया, लेकिन मैं वहां के ऑफिसर्स को ढूंढ के उनके लिए परमिशन लेके आता हूँ। किसी को ई पास फंस जाता है तो मैं उनके लिए कोशिश करता हूँ, चाहे वो एक ही आदमी है, चाहे आप एक आदमी के लिए मेहनत करें या 1000 लोगों के लिए करें, मेहनत उतनी लगती है, बट ये नहीं है कि वो एक आदमी है तो आप उसको पीछे भूल जाएंगे और वो आप 1000 लोगों की मदद करने के लिए जाएंगे। तो मैं तो मुझे जो दिखता है मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। सोनू जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रोएक्टिवली काम करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज है वो आपको हर लिहाज से टटोलती है, वो आपको ये कहती है कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, आपके पास कितने लोग आ गए हैं, उनके क्रेडेंशियल्स आपने चेक किए हैं क्या, आप क्यों मदद करना चाहते हैं, आपके पास कोई लिस्ट है तो हमें दीजिए, हम आपका काम बांटते हैं। गवर्नमेंट का रवैया आपके बारे में कैसा रहा, खासकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का? सर बहुत अच्छा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की है, बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं बड़े, मैं हमेशा बड़ा टू द बुक्स जाता हूँ सर, एक हर एक इंसान का मेडिकल हो, आधार कार्ड हो, डिटेल हो, मोबाइल नंबर, मैं हर चीज शेयर करता हूँ, हर चीज कहाँ से उसको पिक करना है, कहाँ उसको जाना है। जितने महाराष्ट्र में ऑफिसर्स हैं या फिर किसी भी स्टेट्स में हो, चाहे वो राज्य में किसी भी देश में किसी भी की भी सरकार हो, मुझे सब ने बहुत सपोर्ट किया है और सबको पता है कि मेरा लक्ष्य है लोगों की मदद करना, और वो लोग भी इस मदद का हिस्सा बने हैं और फटाफट उन्होंने मतलब मेरे लिए लाइन अप करके दी हैं चीजें। तो मैं बहुत आभारी हूँ महाराष्ट्र सरकार में सभी लोगों का, और जहाँ जहाँ लोग गए हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, हर एक इंसान ने मदद की है, क्योंकि वो भी चाहता है कि इन लोगों की मदद हो जिनको जो जरिया मैं हूँ। सर मैं कहता हूँ मैं एक भगवान ने मुझे जरिया बना दिया है लोगों की मदद करने का, और सबने हेल्प बहुत किया है। सर हम हमेशा देखते हैं मुंबई पे कोई भी आपदा आ जाए तो मुंबई का जो स्पिरिट है वो जग जाता है। आपने ये काम शुरू करने के बाद आपके बॉलीवुड से हो या तेलुगु तमिल इंडस्ट्री से कोई हो, किसी ने आपकी सराहना किया होगा, बहुत ज़्यादा पैमाने पे की होगी, फिर भी किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि सोनू इसमें आप क्यों गिरे हो, ये अपना काम नहीं है, हमारी एक्टिंग भली हम भले, ऐसा किसी ने सलाह नहीं दिया आपको? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, मेरे को सबने बहुत सराहा है, सबने फ़ोन किया, मैसेजेस किए, सोशल मीडिया पे भी डाला कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और ऐसे ही लगे रहो, आप हमें प्रेरित करते हो सब अच्छा काम करने के लिए। तो सबने बहुत मुझे सराहा है और मदद के लिए बोला है कि हमारी तरफ से हम जो भी कर पाए हम लोग आपके साथ जरूर है, खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपके एक बॉलीवुड जो है आपका परिवार है, जब वो आपके साथ खड़े होते हैं और आपको बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और बहुत सारे एक्टर्स बड़े उन्होंने ये बोला कि आज जो तुमने किया है उसके कारण जो बॉलीवुड है उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई है पूरी दुनिया में, और हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द बहुत कीमती हैं, बहुत स्पेशल हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसा कुछ बदलाव ला पाया। सोनू जी देखिए, आप रियल हीरो से रियल हीरो बन चुके हैं, आपके ऊपर फिल्म तो बननी ही बननी है। आपके अलावा कौन ऐसा एक्टर हो जिसने आपका किरदार निभाना चाहिए ऐसा आपको लग रहा है, और कुछ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आपके पास आए भी होंगे कि सोनू जी आप पे तो फिल्म बननी है, हम इनको लेते हैं या आप ही कीजिए, ऐसा कुछ हो रहा है? सर मैं आपको विश्वास दिलाऊं, मुझे एक हफ्ते 10 दिन पहले किसी डायरेक्टर ने एक स्क्रिप्ट का एक भेजा था 10 मिनट का रिकॉर्ड कर फोन के ऊपर कि ऐसा ऐसा थॉट है। मेरे पास 10 दिन में वो उसको सुनने का समय नहीं मेरा, मैं पूरा सुन ही नहीं पाया। मैं सुना, मुझे लगा अच्छा है, मैं बाद में करता हूँ। मुझे पास 10-12 दिन से 1 सेकंड की फुर्सत नहीं है। मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा फोन दूसरी तरफ बज ही रहा है, किसी के ऑफिसर्स के फोन आ रहे हैं, किसी के जो लोग ट्रैवल करने वाले उनके फोन आ रहे हैं। तो मेरे पास समय ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब जब खत्म हो जाएगा, सब अपने घरों में ठीक ठाक पहुंच जाएंगे और हमें लगेगा कि हमने अभी काफी लोगों को उनके लक्ष्य तक पहुंचा दिया है। उसके बाद फिल्में तो सर इतने साल से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, तब बहुत सारा समय रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं वो आधा 1 घंटा 2 घंटे उसके बारे में डिस्कशन करके और जो 200-400 लोगों को मैं उस समय भेज सकता था वो कहीं रुक जाए। तो मैं अभी फुल्ली 100% इसी पर निर्भर हूँ। सूर्य जी आखिरी सवाल है, देखिए कोरोना काल तो कब ना कब खत्म होना ही है और वो होना ही चाहिए, क्योंकि कोरोना से जो नुकसान देश का हुआ है या आम आदमी की जिंदगी में जो नुकसान हुआ है वो अब कम होना चाहिए या बल्कि वो दूर हटना चाहिए। कोरोना काल के बाद पोस्ट कोरोना सोनू जी की क्या इच्छा है, क्या प्लान है? सर दो समय दुनिया के देखे गए हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने, कि एक कोरोना से पहले क्या दुनिया थी, अभी एक कोरोना के बाद क्या दुनिया है। पहले की दुनिया सब लोगों ने एक्सपीरियंस की, आने वाली दुनिया के बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात पक्की है कि ये कोरोना एक ऐसा अध्यापक बन के आपकी जिंदगी में, क्या ऐसा टीचर बन के आया है जिसने जिंदगी के बहुत सारे लेसन आपको सिखा दिए। हर एक इंसान को वो बराबर खड़ा कर दिया है, चाहे आप कितने भी बड़े उद्योगपति हों, चाहे आप कितने भी बड़े छोटे इंसान हों। आपको घर में रहना है, आप बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। उसने बता दिया है कि आप जिस चीज के पीछे हमेशा जिंदगी में भागते रहे, चाहे वो काम हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे कोई भी आपका लक्ष्य हो, वो उतना अहमियत नहीं है जितना आपका घर पे अपने परिवार वालों के साथ रहना है। आप अभी घर पे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो आप करना चाहते थे, आपने नहीं किया। तो ये उस अध्यापक ने जो आपको सीख सिखाई है कि कैसे आप एनवायरमेंट का ध्यान रख सकते हैं, सड़कों का ध्यान रख सकते हैं, लोगों का ध्यान रख सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, ये सब जो लेसन्स हैं वो हमने जो सीखे हैं इस कोरोना के दौर में, हमें अपनी जिंदगी में उसे डालना है, ताकि वो जिंदगी हमें जो है हमारे साथ रहें और हम उस पर वैसे ही चलते रहें। ये चैरिटी बंद नहीं होनी चाहिए कि जब कोरोना के बाद नॉर्मल जिंदगी होगी तभी भी आप अपने लेवल पे मदद करते हैं। तो ये जो अगर जिसने लेसन सीख जिंदगी की सीख ली, उसे मोक्ष मिल गया। तो मैं कहता हूँ कि इस बार कोरोना ने बहुत सारे लोगों को मोक्ष दिया है। सोनू जी देखिए, एज अ कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा, आपने इतना ऊंचा मकाम पाया है कि अब आप जब फिल्मों में खलनायक की भूमिका करोगे तो आपको अगर किसी ने मार भी दिया तो लोग रोएंगे कि हमारे हीरो की पिटाई हो रही है। तो अब ये जाके एक बड़ा धर्म संकट आपको भी आएगा कि अब आप तो रियल लाइफ हीरो बन गए हैं और रील में अगर आपको विलन बनना है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बड़ा अच्छा मैसेज पढ़ा था सर मैंने सोशल मीडिया पे, किसी ने बोला कि क्या है ना, सोनू भाई है जो हमारा भाई है, अगर किसी हीरो ने इसको एक पंच भी मारा ना तो भवानी कसम थिएटर में आग लगा देंगे। तो मैं बड़ा हंसा कि सर कि लोगों की ये सोच है। और सर मैं बोलता हूँ कि हमेशा एक नई पारी खेलता है इंसान। जब मैं इंजीनियर था तो मैं इंजीनियरिंग करने गया तो इंजीनियर की पारी खेल रहा था, फिर मैं मुंबई में आया तो एक एक्टर की पारी खोली, और कोरोना के बाद एक शायद नई पारी होगी, कुछ नए लोगों के जहन में नए स्क्रिप्ट्स होंगे, नए रोल्स होंगे, तो वो भी खेलेंगे। सर हम तो एक बैट्समैन की तरह पिच पर खड़े हैं, जैसी बॉल आएगी वैसे ही छक्का मारेंगे सर। और यही जिंदगी का रोड मैप होना चाहिए जो आपने चुना है। बहुत अच्छी मिसाल आपने सबके सामने रखी है और सही में बहुत मज़ा आया ये इंटरव्यू करके। आपने भी समय निकाला, बहुत व्यस्त हैं आप, बहुत लोग आपको देवता की तरह पूज रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी के जीवन में कि अपना काम करते हुए हम किसी की मदद करें और वो हमें ज़िंदगी भर याद रखें। थैंक्स सोनू जी, बहुत शुक्रिया। अभिनेते सोनू सूद